नमस्कार, मैं हूं स्नेहा अभिनव सिंह। बंसल न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। चैत्र नवरात्र के मौके पर सज गए हैं मां के दरबार, माता के मंदिर में लगी है भक्तों की भीड़। और इस मौके पर आपको भी लेकर चलते हैं मां के ऐसे ही दरबार में, जहां दो बहनों के रूप में मां अपने भक्तों को देती हैं आशीर्वाद। माँ चामुंडा और तुलजा माँ का धाम टेकरी, जहाँ हर साल दूर दूर से श्रद्धालु माँ के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। लेकिन एक सवाल है जो हर भक्त के मन में उठता है। यहाँ आने वाला कोई भक्त ऐसा नहीं जो इस सवाल से अछूता रहा। एक सवाल जो जिज्ञासा बनकर हर भक्त के दिलो दिमाग में बस जाता है। एक सवाल जो किसी अचंभे से कम नहीं है। टेकरी पर देवी दर्शन की शुरुआत होती है तुलजा माँ के मंदिर से। दरअसल माँ तुलजा ही बड़ी माता है। आगे चलने पर दर्शन होते हैं माँ चामुंडा के, और यहीं से शुरुआत होती है अचरज, अचंभे और सवालों की। गुफा के पत्थरों पर उकेरी गई सी दिखने वाली माँ चामुंडा माँ का स्वरूप अत्यंत विराट है, जबकि इन पहाड़ों की छोटी माता है। तो जहाँ आप दर्शन का लाभ ले रहे हैं, ये बड़ी माता जी तुलजा भवानी है। इनकी छोटी बहन भी पहले इसी जगह पर थी जहाँ आपने अभी दर्शन का लाभ ले रहे हैं। इनका किसी कारण वाद विवाद होने के कारण जो माता जी के पीछे जो पहाड़ बसा हुआ देख रहे हैं आप लोग, यहाँ से चामुंडा चली जा रही थी तो बाबा भैरवनाथ और बजरंग ने माँ से प्रार्थना की तो माँ उधर क्रोध में खड़ी की खड़ी रह गई। जब बड़ी ने देखा कि छोटी उधर चली गई है तो ये पाताल विराजमान होने लग गई। जब पाताल विराजमान हो रही थी तो भैरू और बजरंग ने इनसे प्रार्थना करके इन्हें भी रोका गया। तो माँ यथावत स्थिति में इतनी विराजमान रुकी हुई है। पाताल वासिनी कहा जाता तुलजा भवानी को, और लोग इधर से उधर आता जाता था। कुछ माता बहनें ऐसी निकल गई, दिन ब दिन रास्ता छिपटता गया और मात्र निशान दे चुका जो आज भी वर्तमान में आप देख रहे हैं। ये पर माँ चामुंडा की नगरी के नाम से ही देवास का नाम है, क्योंकि देवास मने देवों का वास और माता का वास, इसलिए यहाँ पे सभी लोग माँ चामुंडा के नाम से देवास को जानते हैं। और यहाँ पे माँ तुलजा भवानी का दोनों का स्थान है, और कई श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, दर्शन करके जाते हैं और अपनी मांगे पूरी करके भी जाते हैं। टेकरी पर पहुँचने वाला हर भक्त ये जानने के लिए उत्सुक होता है कि आखिर क्या है माँ के इन स्वरूपों की वजह। टेकरी की शुरुआत में दिखाई देने वाली माँ तुलजा आखिर छोटे स्वरूप में क्यों दिखती है, जबकि उनकी छोटी बहन यानी कि चामुंडा माँ क्यों दिखती है विराट और बड़े स्वरूप में। माँ के इन अलग अलग स्वरूपों के सवाल का जवाब छिपा है एक किवंद सी में। तुलजा माँ और चामुंडा माँ दोनों बहने हैं। कहा जाता है कि एक बार दोनों बहनों में लड़ाई हो गई थी। क्रोधित होकर माँ तुलजा टेकरी में समाने लगी और चामुंडा माँ टेकरी छोड़कर जाने को तैयार हो गई। वो एक दूसरे से जुदा हो पाए उससे पहले बजरंग बली और भैरू बाबा ने उन्हें मनाने की कोशिश की। इस मान मनोहर तक तुलजा माँ का आधा धड़ पाताल में समा चुका था, लेकिन वो वैसे ही टेकरी पर रुक गए। और यही वजह है कि तुलजा माँ का स्वरूप छोटी माँ यानी कि चामुंडा माँ से छोटा दिखाई देता है। ऐसी ही अनूठी माताओं के दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं। तो ये देवास एक रक्त पीठ है, यहाँ पर तुलजा भवानी और चामुंडा प्रकट हुई है। इसके अलावा यहाँ नौ माओं का स्थान है, तो बाकी इन्हीं को अधिकांश लोग इन्हीं के नाम से जानी जाती है देवास। जो तुलजा भवानी बड़ी माता और चामुंडा है छोटी, आगे माँ बिजासन है, पार्वती जी है, कालिका जी, अन्नपूर्णा, अष्टभुजा, खोखो माता, और लास्ट में चामुंडा, और चामुंडा के बाद माँ अम्बे वाली माता। तो नौ स्वरूप माँ के यहाँ वर्तमान में है जो स्वयं को प्रकट हुए हैं। यहाँ पे देश और प्रदेश भर से काफी श्रद्धालु इन दोनों दिनों में आते हैं, और लाखों लोग यहाँ पे दर्शन करके यहाँ से जाते हैं। यहाँ अच्छी खासी श्रद्धा है लोगों की, और हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग बाग आ रहे हैं। इस टेकरी की महिमा इतने पर ही खत्म नहीं होती। ये पूरे देश का एकमात्र ऐसा धार्मिक स्थल है जहाँ दर्शनों के साथ
पूरी परिक्रमा भी अपने आप हो जाती है। टेकरी पर दोनों माताओं बजरंगबली, भैरव बाबा के अलावा कालिका माता, अन्नपूर्णा माता, कुबेर देव, जैन मंदिर और खोखो माता के मंदिर भी स्थित है, जहाँ की रौनक नवरात्र में देखने को मिलती है। हम खड़े हैं देवास की प्रसिद्ध माता चामुंडा और तुलजा टेकरी पर, जहां पर शारदीय नवरात्र का पर्व जो है प्रारंभ हो गया है और कल सुबह से बड़ी संख्या में हजारों की तादाद में भक्त यहां पर अपनी मुरादें लेकर पहुंचे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि जो 9 दिनों तक चलने वाला जो नवरात्र पर्व है उसमें लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पर हर वर्ष की तरह आएंगे और शारदीय नवरात्र पर्व को लेकर काफी तैयारियां भी यहाँ पर की गई हैं। वहाँ जितने भी अपने भक्त आते हैं उन्हें कभी यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटने देते हैं। और देवास का नाम भी चामुंडा की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पर 9 दिनों तक अब जो है नवरात्र के दौरान भक्तों का खाता बना रहेगा। देवास से अमिताभ शुक्ला, बंसल न्यूज।